कल पढ़ाओ पार्टी के सीनियर्स तक जो वे जिथों गल चलती है कि लोग सचमुच दुखी है क्योंकि साढ़े जेडे मैं जो एक दो रुपये का वर्कर कह लो रुपये वाले वर्कर है साड़ी उन्नी तक कोई पहुँच नहीं पर पार्टी बजे हुए जिम्मे मां पार्टी की पार्टी बजे हुए जिथे कहते हैं बैठो बैठ जाने जिथे कहते हैं दरिया विछाओ विछा लें कांग्रसियों के उल्ट असं फिर लड़ पे क्योंकि कांग्रेस ने सचमुच देश का जो बेड़ा बिठाया तो इन्होंने बिठाया कुरबानी जी की कुरबानी की गल गुरसंत बराड़ कर रहा है कि बड़ी वीडी कुरबानी नेहरू ने की कुरबानी तो सचमुच की सिखा ने की पंजाबियों ने की देश को आजाद करवाया तो दाढ़ी वाले इंसान ने कराया कुरबानी इन्होंने कोई नहीं की इन्होंने तो उदों भी ठगिया मारिया मिठिया मारिया होर सारा कुछ किया मोहम्मद अली जना सरदारा कहता हूँ भी भोलियो सिखो मास्टर तारा सिंह कहता हूँ कि तू गल नहीं कर आ रहा टेबल से तुम गुलामों के गुलाम हो जा रहे हो जो 47 तो बाद गलबात करोगे गल ही होर हो जानी है अब सचमुच वेख लो गल होर नहीं होगी आप कोई हैसियत है दाढ़ी वाले इंसान की कोई हैसियत है दसो देश आजाद है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है साडा किसान खुदकुशी कर रहा है वो किसान जिहड़ा 125 करोड़ बंदियां नूं भुख पूरी कर रहा है राज गल रहा है ते किसान आप खुदकुशी कर रहा है वेखो सरकार कि सैंटर की सरकार है ना आ बैठे विराट साहब और बाह खड़ी करके मेरे नाल गल कर कि जी बहुत वड्डी गल है अनाज गल रहा है रोज पंजाबी ट्रिब्यून दिंदा है हर जिले का अनाज गल रहा है लोग भुखे मर रहे हैं तो साडा किसान है जिहड़े आ बैठे हैं मेरे सामने किसान यूनियन वाले कि सचमुच किसान खुदकुशी नहीं कर रहे आ मेरिया लत्त हमें खिंचन लग गए भी सरपंच साहब ना बोलो मैं सच ही बोलूंगा सच की गल करूंगा सुन लो सच कौड़ा होंगे कान क्योंकि वे जो मेरे लीडर है वह तो नहीं बोल देंगे तुम तो मेरे भरा हो वकील हो वेखो साढ़े बूथ बनने शुरू हुए लख लख रुपये का खर्चा 2-2 लख रुपये का खर्चा कहदा खर्चा सानू वकीलों को तुम बूथ विकास के नाते जो इन्ने करोड़ों रुपये विकास के नाते खर्चे जा रहे हैं तो की वकीलों वास्ते बूथ नहीं बन सकते कि 7-10 रुपये किराया नहीं लिया जा सकता जी ठीक है शेखो साहब बैठे हैं बड़ा मोटा पैसा कमाते हो गए आ सीबीआई साहब बैठे हैं मोटे पैसे कमाते हो गए ये ले लेंगे हो गए किराए से आ वा लख लख रुपया 2-2 लख रुपया दे सकते हैं जोड़े मुंडे कल वकील बन के आए वो लख लख 2-2 लख रुपया कितों देंगे बूथों का तुम उन्होंने सिंपली अलाट कर दे 10-20-30 हज़ार रुपये आ जो पहला बूथ बने से उन्होंने किराया जो वकीलों का जी करता किराया दे दिया करते ना दे दिया करते लोगों की सेवा करी जाते लोगों को न्याय दे देंगे ये तो कोई गल सी किसी ने कोई बाह नहीं फड़ी मेरी सरकार है कहते नहीं जी नहीं सरकार के उल्ट बोलते चंगे नहीं लगोगे आ दो पैसे दो मैं भी जमा करा गया मैं वेखी गया इन्होंने मूह कहीं इन्होंने काफ़ी सारे ने कराते मैं कहा मत नहीं आई तो चलो हम आप भी इन्होंने मगर लगो पैसे जमा कराओ भाईचारे तो आके बहना चलो पैसे नाल ही बैठा सो भराओ रही हुण दी गल जिहदे पिछे कट्ठ है धरना है मिलारा है राम रौला है सचमुच ही लोग दुखी है सचमुच ही जे तुम एक थाने 5-7-10 किलोमीटर बल्कि न्याय की है एक थाना है एक तहसील है कचहरी है डॉक्टरेट है जिथे लोगों ने आना है वो सेंट्रल हैडक्वार्टर के नेड़े नेड़े हो सारे ताकि ठीक है हूँ जो राज है ज जो राज का फैसला है मैं पढ़ता सी कि इतिहास से मोहम्मद शाह रंगीला से उन्हें चक्या किया टंबा हुकुम देता राजधानी बसाओ जो तो राग ने कर सारे लोगों को उधर लै तुर ये साढ़े मोहम्मद शाह रंगीले वाले फैसले लग रहे हैं मैं सुखबीर सिंह बादल दे ये हनी बराड़ होर सारू भी एदा राजधानी उन्हें जिम्मे बदली शुरू कर ली राजधानी फिर दिल्ली बन गई एदा ये नहीं होना यह गल अपनाओ कि लोग की चाहते हैं लोगों का जज्बात की है उस तरह ही गल होनी चाहिए है पिंडों को तोड़ के दूजे थान लाने पहले कचहरी आना बड़ा औखा है कचहरी हर बंदा पैसे भालता है वकीलों को शुरू करा गां फिर सारा कुछ जिम्मे आप कहावत है जी हर पता पता हर गल पैसे चलती है तो कि सारा कुछ बताऊगा सचमुच ही औखा है अगली गल विराट साहब ने कही कांग्रेस पार्टी नाल